हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का सब्जेक्ट हमारा विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 29 है और यह 15 सितंबर 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज भी हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है धातु और अधातु, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आयनिक यौगिक क्या होता है? तो आयनिक यौगिक आयनों से बने यौगिक है और आयनिक यौगिक के विपरीत आवेश धनावेश और ऋणावेश दोनों एक साथ मिलकर आयनिक यौगिक बनाते हैं, यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों मिलकर के आयनिक यौगिक बनाते हैं, यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट, एन ए प्लस और सी एल माइनस, तो ये जो चार्ज है ये और ये सोडियम प्लस, ये दोनों मिलाकर के हमारा क्या होता है? आयनिक यौगिक बनता है, राइट। आयन एक परमाणु या एक अधिक परमाणुओं का जटिल समूह हो सकता है, परमाणु जो एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और इस प्रकार एक शुद्ध ऋणावेश ऋणात्मक आवेश प्राप्त करते हैं, ऋणायन कहलाते हैं। यानी जो इसके विपरीत परमाणु जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है, इस प्रकार एक शुद्ध धनायन आवेश प्राप्त करते, इसे धनायन कहते हैं। यानी एक प्राप्त करता है धनायन, उसे धनायन कहते हैं। जैसे आपको फिर से बता दूं, एन ए प्लस और सी एल माइनस, यानी ये प्लस ये धनायन हमारा हो गया, ये माइनस हमारा क्या हो गया? ऋणायन हो गया, ठीक है। अब देखिए, ऋणात्मक ऋणायन अधातु होते हैं जबकि धनायन धातु होते हैं। तो आप याद रखिएगा, ऋणायन अधातु होते हैं और धनायन धातु होते। तो ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है जिसमें आपको धातु और अधातु को आपको अंतर कर सकते हैं। धातु और अधातु दोनों मिलकर के आयनिक यौगिक बना देते हैं। तो देखिए, एन ए प्लस और सी एल माइनस, ठीक है। तो ये क्लोरीन है और ये सोडियम है, धातु है, और क्लोरीन है अधातु है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आयनिक यौगिक के भौतिक गुण, भौतिक प्रकृति। यानी आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और ये धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षक बल के कारण कुछ ठोस होते हैं। यानी भौतिक प्रकृति होती है इसकी आयनिक यौगिक की ठोस, और ये धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच जो है ना, कौन सा बंध प्रबल आकर्षण बल के कारण कठोर होता है, ठीक है। और ये सामान्यतः भंगुर होते हैं, यानी टूट जाता है और दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाता है। यानी गलनांक और गथनांक जो आयनिक यौगिक का क्या है, तो आयनिक यौगिक का उच्च गलनांक होता है और गथनांक भी उच्च होता है, इसीलिए क्योंकि मजबूत आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए काफ़ी मात्रा में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसलिए करके कह सकते हैं। और थर्ड है घुलनशीलता क्या है? वैद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं और मिट्टी के तेल, पेट्रोलियम आदि जैसे विलायकों में अघुलनशील होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट आपका विद्युत चालकता। विद्युत चालकता क्या होता है? किसी भी बिलयन से विद्युत के प्रवाह में आवेशित कणों की गतिशीलता की आवश्यकता होती है, और आयनिक यौगिक के जलीय बिलयन में आयनिक आयन योग उपस्थित होते हैं। जब बिलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों को ओर गमन करते हैं, और आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत चालन नहीं करते। यानी आयनिक यौगिक जो है ना डियर स्टूडेंट, जब ठोस में रहेगा तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड अवस्था में जो है ना, ठोस में जो है ना, कठोर संरचना के कारण आयन की गति संभव नहीं है। यानी ठोस रहेगा तो उसमें आयन की गति संभव नहीं है। तो किस में नहीं है? आयनिक यौगिक में नहीं है, ठीक है। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत संचालन करते हैं। आयनिक यौगिक क्या करते हैं? गलित अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उपयोग के कारण कमजोर पड़ जाते हैं, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं और विद्युत का संचालन करते हैं, राइट। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको लवण के बिलयन की चालकता जांच कीजिए। लवण के बिलयन की चालकता, यानी कि यहाँ देखिए, ये बैटरी लगी हुई है, ये बल्ब लगी हुई है, ये स्विच लगी हुई है, ठीक है। तो बीकर है, ग्रेफाइट चार है, और जांच वाला लवण बिलयन है, तो इसकी चालकता इसके माध्यम से ये क्या किया जा सकता है? जाँचा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक सोडियम क्लोराइड हो गया, LiCl हो गया, CaCl2 हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। तो आयनिक यौगिक का गलनांक यानी सोडियम क्लोराइड का 1074 है, ठीक है, और क्वथनांक 1686 है, ठीक है। LiCl का 887 है जबकि क्वथनांक 1600 है, CaCl2 का 1045 है यानी गलनांक, और क्वथनांक 900 है, ठीक है, 1900 है। कैल्शियम ऑक्साइड का आपका जो है ना 2850 है जबकि क्वथनांक 3120 है। मैग्नीशियम क्लोराइड का जो गलनांक है वो 981 है जबकि क्वथनांक 1685 है। अब इसमें डियर स्टूडेंट आप देखना ये है हमें, जो बेहद ही आसान से प्रश्न है, ठीक है, इस सभी प्रश्न का एक एक करके हम आंसर देख लेते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस सभी का आंसर।
यहाँ पे आप परमाणु जो एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और इस प्रकार एक शुद्ध ऋणात्मक आवेश प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं डियर स्टूडेंट वो ऋणायन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणायन, आप इसमें टिक कर लेंगे। और परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं इस प्रकार एक शुद्ध धनायन को प्राप्त करते हैं उसे हम धनायन कहते हैं, धनात्मक प्राप्त करते हैं तो धनायन कहते हैं, ठीक है। अब ये सेकेंड क्वेश्चन है आयनिक यौगिक डैश डालने पर टूट जाते, यानी दाब डालने पर क्या होते हैं, टूट जाते हैं आयनिक यौगिक। अब देखिए उसके बाद डियर स्टूडेंट आपको आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आयनिक यौगिक का गलनांक, आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है, क्योंकि आयनिक यौगिक में उच्च गलनांक होते हैं। ऐसा इसलिए कि आयनिक यौगिक आयनिक आकर्षण, मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का संचालन नहीं करती, यानी ठोस में नहीं करती बल्कि गलित अवस्था में करती है, क्यों करती है? तो ये बेहद ही आसान से इसका आंसर है डियर स्टूडेंट। देखिए आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत चालन नहीं करते क्योंकि ठोस अवस्था में कठोर संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती, जबकि आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत संचालन करती है क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयन के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाते हैं, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं और विद्युत प्राप्त करने विद्युत का संचालन करते हैं। डियर स्टूडेंट आपको ये मेरा काम अगर पसंद आ रहा है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।